क्या आप अपने लिए एक नया पीसी बिल्ड करने का सोच रहे हैं और आप चाहते हैं कि मैं एक ऐसा पीसी बिल्ड करूं कि जिसमें मुझे ग्राफिक कार्ड लगाने का ज़रूरत ना पड़े और बिना ग्राफिक कार्ड को लगाए मैं प्रीमियर प्रो जैसे वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर पबजी या फिर GTA 5 जैसे गेम में आराम से मैं चला सकूं। और आपने बहुत सारे वीडियोज़ आपने देखा होगा जिसमें वो जो है अंडर 10,000 या फिर अंडर 15,000 वो आपको पीसी बिल्ड करके वो दिखा देते हैं, लेकिन वीडियो के बीच में वो बोलते हैं कि हमने ये जो ग्राफिक कार्ड यूज़ लिया है या फिर ग्राफिक कार्ड हमने पुराना लिया है या फिर प्रोसेसर हमने पुराना लिया है या फिर मदरबोर्ड हमने पुराना लिया है, और ऐसे करके वो पीसी बिल्ड करके आपको बता देते हैं। तो मैं आपसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आपको जो है पुराने कोई भी चीज़ को लेकर पीसी बिल्ड आप ना करें, क्योंकि अगर पुराने कोई भी चीज़ को लेकर अगर पीसी बिल्ड करेंगे तो आपको जो है कहीं ना कहीं आपको दिक्कत देगा और आपके सारे के सारे पैसे आपको बर्बाद हो जाएंगे। क्योंकि देखो, जो भी पुराने आइटम आप खरीदते हो उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम होता ही है। हाँ, अगर आपके में या फिर जान पहचान के वाले कोई दोस्त है, अगर वो कोई ग्राफिक कार्ड या प्रोसेसर सेल कर रहा है तो वो लोग उसमें कहीं ना कहीं आप सेफ साइड में हो, लेकिन मार्केट से, लोकल मार्केट से या फिर ऑनलाइन आपको जो है पुराने या फिर यूज्ड प्रोडक्ट होते हैं वो आपको नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उसमें जो है 100% जो है डिफेक्टिव प्रोडक्ट या फिर रिपेयर वाले प्रोडक्ट होते हैं जो कि आपका 2 से 3 महीना चलेगा, उसके बाद आपको प्रॉब्लम वो 100% देगा ही देगा। तो फिर आपको जो है कोई भी यूज्ड प्रोडक्ट नहीं लेना है, कोई भी पुराना प्रोडक्ट नहीं लेना है। और हम इस वीडियो में जो भी पीसी बिल्ड करेंगे, हम एक भी सामान पुराना सामान को लेके हम पीसी बिल्ड नहीं करेंगे, सभी के सभी ब्रांडेड जेन्युइन और सभी में आपको जो है 3 साल से 2 साल की सब में आपको वारंटी मिलेगी, यानी कि आपको कोई भी परेशानी नहीं आएगा इस पीसी बिल्ड करने में। और आपका बजट भी बहुत ही लो है और भी कम बजट में पीसी बिल्ड करना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखिए। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रोसेसर की। तो देखो, प्रोसेसर में बिना ग्राफिक कार्ड के अगर आपको जो है प्रोसेसर लेना चाहते हो तो बजट सेगमेंट में एक ही प्रोसेसर है जो कि आपको वैल्यू फॉर मनी प्रोवाइड करता है, यानी कि पूरा पैसा वसूल परफॉर्मेंस आपको निकाल के देगा, वो है AMD की तरफ से आने वाला Ryzen 3 3200G। ये एक ऐसा प्रोसेसर है जो कि आपको बिना ग्राफिक कार्ड के चलेगा और ये आपका वीडियो एडिटिंग, गेमिंग, हर चीज़ आपका करा देगा बिना किसी परेशानी के। तो ये इसमें आपको 4 कोर और 4 थ्रेड मिलते हैं जो कि आज के डेट में जितने भी लेटेस्ट गेम देखोगे, जो भी वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर देखोगे, सारे के सारे 4 कोर और 4 थ्रेड में आराम से जो है इजिली रन कर लेगा, यानी कि कोई भी परेशानी नहीं आएगा। वहीं अगर इसकी बेस क्लॉक स्पीड की बात करें तो इसमें 3.6 GHz का बेस क्लॉक स्पीड और 4.0 GHz का मैक्स बूस्ट क्लॉक स्पीड देखने को मिलेगा। 65 वॉट ये लेता है इसको रन करने के लिए। और फिर ये जो चिप आप देखोगे ये 12 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है और इसमें आप जो है हाईएस्ट आप 64 GB तक का रैम अब इसमें चला सकते हो और ये हाईएस्ट आपका 3000 MHz तक का रैम ये सपोर्ट करता है। अब आपने ये प्रोसेसर के बारे में तो जान लिया, अब इसके बाद हमको मदरबोर्ड हमको कौन सा लगाना है। तो मदरबोर्ड हमको लगाना है गीगाबाइट की तरफ से आने वाला A320 मदरबोर्ड, जो कि जैसा कि आपको पता है कि हमारा बजट सेगमेंट का हमारा ये पीसी बिल्ड है, तो इसमें हमको इससे महंगा जो B450 मदरबोर्ड है उसमें जाने का कोई मतलब ही नहीं है। ये आपका स्मार्ट डिसीजन लो, आप जो है बहुत लोग आपने बहुत सारे वीडियो में देखा होगा वो बोलेंगे कि आप जो है B450 मदरबोर्ड के साथ जाओ। भाई मैं B450 मदरबोर्ड के साथ मैं क्यों जाऊँ, जो कि मेरा बजट लिमिटेड है, जो मेरा हर काम अगर जो है A320 वाले जो मदरबोर्ड हैं वो मेरा कर देगा तो मुझे महंगे मदरबोर्ड में जाने का ज़रूरत क्या है। अब आप लोगों से बहुत सारे लोगों के मन में प्रॉब्लम होगा या फिर आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि भाई मैं A320 मदरबोर्ड में लूँगा तो इसमें क्या मुझे कुछ कमियाँ देखने को मिलेगा या नहीं देखने को मिलेगा। तो देखो, अगर आप जो है A320 मदरबोर्ड के साथ जाओगे तो इसमें हाईएस्ट आप 32 GB तक आप रैम आपको जो है इसमें सपोर्ट करेगा, जो कि हमारा जो कि देखो ऑब्वियस बात है, अगर हम और आपको ये पीसी बिल्ड करने के लिए जाएगा तो एक ऐसा पीसी बिल्ड तो नहीं करेगा ना जिसमें वो 32 GB तक रैम या 32 GB से ज़्यादा का रैम लगाए। अगर उतना ही रैम अगर उसको लगाना ही है तो फिर इतने सस्ते में पीसी बिल्ड में क्यों जाएगा, वो हाई कॉन्फ़िगरेशन वाले पीसी बिल्ड करेगा। क्योंकि जैसे कि हमारा जो है लो एंड में हम पीसी बिल्ड एक बेहतरीन बेस्ट क्वालिटी का पीसी बिल्ड करना चाह रहे हैं, तो इसमें हम जो है ताकि हमारा पैसा भी फालतू का इंक्रीज ना हो और हमारा हर काम भी कर दे। तो जो है ये गीगाबाइट की तरफ से आने वाला A320 मदरबोर्ड जो है इसमें आपको जो है USB 3.1 का भी सपोर्ट देखने को मिलेगा, 4K का डिस्प्ले भी ये सपोर्ट करता है
प्लस इसमें सबसे अच्छी बात है कि आपका इस बजट में आपको M.2 का भी सपोर्ट मिलता है, यानी कि अगर आप जो है इन फ्यूचर M.2 स्टोरेज डिवाइस अगर लगाना चाहते हो तो वो भी इसमें लगा सकते हो। तो बेसिक हर काम तो इसमें कर ही सकते हो, तो ऐसा कोई प्रॉब्लम है नहीं। और बात अब इसके बाद बात आती है कि रैम की, तो रैम हम इसमें लगाएंगे 8GB का DDR4 रैम, जो कि आपका 3000 MHz सपोर्ट करता है। और ये हम जो रैम लगाएंगे वो XPGA डाटा की तरफ से आने वाला रैम हम लगाएंगे, क्योंकि इसकी इस प्राइस रेंज में जो ये क्वालिटी प्रोवाइड करेगा इस प्राइस रेंज में आपको कोई और क्वालिटी प्रोवाइड नहीं करेगा। अगर आप जो है कॉर्सियर के रैम की तरफ जाओगे या फिर HyperX के रैम की तरफ जाओगे तो बेशक वो जो है अच्छे हैं नो डाउट, लेकिन उसकी में प्राइस भी आपको ज़्यादा मिलेगा। और अगर XPGA डाटा की तरफ जाओगे तो बेशक ये भी अच्छा है, ये भी कोई ऐसा बुरा रैम नहीं है, ये भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस आपको देगा, इसमें भी आपको 3 साल की वारंटी मिलेगी, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं आपको प्राइस जो है बहुत ही कम मिलेगा, यानी कि कम प्राइस में क्वालिटी के साथ आपको जो है प्रोडक्ट मिलेगा। तो इसलिए हमने जो है क्वालिटी के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज ना करते हुए हम चाहे तो इससे भी लोकल या भी इससे भी कम अच्छे ब्रांड के साथ हम जा सकते थे, लेकिन हमको क्वालिटी के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना था और हमको बजट भी देखना था। तो बिना क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज़ किए हुए एक बजट सेगमेंट में अगर रैम हमको चाहिए तो हमको XPGA डाटा की तरफ से 3000 MHz वाला रैम हम लेंगे, जो आपके जो है 2400-2500 के बीच में आपको आ जाएगा। हम इसमें सिर्फ 8GB का रैम हम लगाएंगे। अगर आप चाहते हो कि इन फ्यूचर अपग्रेड करना, इन फ्यूचर अगर आप एडवांस में वीडियो एडिटिंग करना चाहते हो या फिर आप चाहते हो कि मैं उसको और अच्छा मैं करना चाहते हो, तो आप जो एक्स्ट्रा 8GB का रैम इसमें और लगा सकते हो, वो आपके ऊपर ऑप्शनल है, लगा भी सकते हो नहीं भी लगा सकते हो, इन फ्यूचर अपग्रेड करना चाहो तो भी आप कर सकते हो, ये ऑप्शन हमारे पास है। तो हमने सिर्फ 8GB का रैम लिया है इसको जो है अपने PC बिल्ड को करने के लिए। अब बात आती है स्टोरेज डिवाइस की, तो स्टोरेज डिवाइस में हमने इसमें 240GB का SSD लिया है WD की तरफ से आने वाला, आप चाहे तो किसी भी कंपनी का ले सकते हो वो आपके ऊपर है, लेकिन आपको 240GB का SSD ही लेना है, 120GB का SSD मत लेना, वो इन फ्यूचर जाकर स्टोरेज में आपको प्रॉब्लम दे देगा। 240GB का SSD लो, आपका बिंदास एकदम मस्त काम करेगा। आपने और किसी PC बिल्ड में देखा होगा वो क्या करते हैं, नॉर्मल हार्ड डिस्क ड्राइव आपको सजेस्ट कर देते हैं कि आप जो है नॉर्मल हार्ड डिस्क ड्राइव लगाइए, लेकिन आपको नॉर्मल हार्ड डिस्क ड्राइव लगाओगे उसमें आपको जो है मुश्किल से 1000 रुपये का या फिर 800-900 रुपये का फ़र्क आता है, लेकिन आपको जो परफॉर्मेंस जो होगा वो 10 गुना ज़्यादा फास्ट हो जाता है अगर आप SSD के साथ जाते हो तो। तो अगर आपने इतना पैसा इन्वेस्ट किया है पूरा PC बिल्ड करने में और 1000 रुपये के चक्कर में आप अपना पूरा परफॉर्मेंस आप जो है बहुत ही जो है डाउनग्रेड कर दोगे, तो वो जो है कहीं भी ये आपका स्मार्ट वर्क नहीं है। स्मार्ट वर्क वही है जहाँ पर आप कम पैसे खर्चा करके ज़्यादा से ज़्यादा परफॉर्मेंस आप निकाल सको। तो इसमें इस PC बिल्ड में हमने कोई भी हार्ड डिस्क ड्राइव नहीं लिया है, हमने सिर्फ 240GB का SSD लिया है, क्योंकि जो भी हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम और जो भी गेम हम लोड करेंगे वो हम SSD में लोड करेंगे। और आप कोई अब नॉर्मल अब सिर्फ स्टोरेज के लिए अब चाहो तो इन फ्यूचर आप नॉर्मल हार्ड डिस्क ड्राइव लगा सकते हो, लेकिन हम जो भी गेम हम इंस्टॉल करेंगे या फिर जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम सब हम जो है SSD में हम इंस्टॉल करेंगे 240GB का SSD। इसके बाद बात करते हैं कि पावर सप्लाई यूनिट के लिए, तो हमने पावर सप्लाई यूनिट इसमें हमने 450W का लिया है, जो हमने एनटेक की तरफ से आने वाला 450W का लिया है। इसमें भी आपको जो है 3 साल की वारंटी मिलती है, और जो हमने SSD बताया 240GB का उसमें भी आपको 3 साल की वारंटी मिलती है। अब बहुत लोग पूछेंगे कि भाई हमने 450W का जो है पावर सप्लाई क्यों लिया, और जो है देखो और हमने इससे सस्ता वाला पावर सप्लाई हमने क्यों नहीं लिया जो कि आपको 1000 रुपये के आसपास भी आता है, जो फिर कुछ तो 600-700 वाले भी पावर सप्लाई आते हैं। तो जैसे कि हमने आपको बताया है कि हम PC बिल्ड करने में कोई भी क्वालिटी के साथ हम कॉम्प्रोमाइज़ हम नहीं करने वाले हैं, तो हमको क्वालिटी भी बेस्ट चाहिए, इसलिए हमने एनटेक का जो है 450W का पावर सप्लाई लिया है। और हमने 450W का पावर सप्लाई इसलिए लिया है कि अगर मान लो इन फ्यूचर अगर आप अपने PC को अपग्रेड करना चाहते हो, आप चाहते हो कि देखो गेमिंग वीडियो एडिटिंग आपका सब होगा इस कंडीशन में, लेकिन आप चाहते हो कि मैं FPS मेरे गेमिंग में और FPS मिले या फिर वीडियो एडिटिंग में थोड़ा और एडवांस करूं, तो आप चाहो तो इसमें इस कम बजट के अंदर में ही जाके आप जो है RX 570 ग्राफिक कार्ड इसमें आप लगा सकते हो। आप बहुत लोग बोलेंगे कि क्यों मैं इसमें जो है हाई जो है ज़्यादा और महंगे वाले ग्राफिक कार्ड में क्यों नहीं लगा सकता, तो देखो अगर आपका बजट सेगमेंट का अगर आपका PC बिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है तो उसमें उसी के अकॉर्डिंग ही आपको जो है आपको ग्राफिक कार्ड लगाना पड़ेगा। उतना महंगा ग्राफिक कार्ड लगाओगे तो उसका कोई मतलब नहीं बनता है इस PC बिल्ड में कोई भी महंगे ग्राफिक कार्ड के साथ जाने का। तो अगर इस PC बिल्ड कॉन्फ़िगरेशन के साथ अगर इन फ्यूचर अगर आप चाहते हो कि मैं परफॉर्मेंस बढ़ाना भी चाहता हूं और जो है ज़्यादा अपने बजट को बढ़ाना भी नहीं चाहते हो क्योंकि हमारा बजट बहुत लो है और बजट के अंदर में ही रहकर करना चाहते हो, तो आप आँख बंद करके RX 570 लो, इसके साथ बहुत ही मस्त काम करेगा, आपको पूरा पैसा वसूल परफॉर्मेंस आपको निकाल कर देगा, और आपको जो है गेमिंग में और वीडियो एडिटिंग में भी आपको परफॉर्मेंस आपका जो है 50 से 60%
परसेंट और बढ़ा देगा, ठीक है। तो अगर आप इन फ्यूचर चाहोगे तो आप जो है RX 570 ग्राफिक कार्ड लगा भी सकते हो, नहीं भी लगा सकते हो, ये ऑप्शनल है आपके लिए। लेकिन हम इस पीसी बिल्ड में कोई भी ग्राफिक कार्ड हम यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि ये बिना ग्राफिक कार्ड के ही हमारे पीसी जो है बिल्ड होगा ये। लेकिन आप चाहो तो इसको लगा भी सकते हो, नहीं भी लगा सकते हो। अब बात करते हैं कैबिनेट की, कैबिनेट हमको कौन सा लेना चाहिए। तो देखो कैबिनेट आप जो है लोकल मार्केट में जाके कोई भी 500-600 का आप जो है कैबिनेट आप ले सकते हो। लेकिन आप चाहते हो कि मैं RGB कैबिनेट लूँ, जिसमें जो है रंग बिरंगे जो है पीछे में लाइट जले, देखने में थोड़ा अच्छा लगे, तो जो है 1800-1900 रुपये से लेके 3000 रुपये के या फिर 3500 के आसपास में जो भी बेस्ट RGB कैबिनेट है, सभी का लिंक मैं इस वीडियो के नीचे मैं आपको दे दूंगा। आप जो है ऑनलाइन खरीदोगे तो ऑनलाइन आपको सस्ता भी मिलेगा और आपको वैराइटीज़ भी ज़्यादा मिलेगा। ऑफलाइन लोकल मार्केट से लोगे तो RGB कैबिनेट वहाँ पर कहीं ना कहीं आपको महंगा पड़ेगा। तो जितने भी आपको मैंने प्रोडक्ट बताया सभी का लिंक आपको नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आपको सेम टू सेम उसी प्रोडक्ट के साथ वैसा ही आपको जो है पीसी बिल्ड करना है, आपको जो है कोई भी इसमें चेंजेस आपको नहीं करना है। देखो अगर आप चाहो तो ब्रांड आप चेंज कर सकते हो, लेकिन मैं आपको बोलूँगा अगर ब्रांड आप चेंज ना करो तो ही अच्छा है, क्योंकि हमने इसमें जो है जो राइजन 3 3200G के साथ जो मदरबोर्ड मैंने आपको बोला गीगाबाइट का A320 प्लस जो हमने रैम जो बोला जो 3000 MHz का है, वो सबके साथ हमने खुद इसको यूज़ किया था और हमने पाया कि इसमें जो है बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस ये देता है। तो जो हमने यूज़ किया है वही हमने आपको बताया है। पहले हमको भी लगा था कि राइजन 3 3200G में वीडियो एडिटिंग होगा नहीं होगा, गेमिंग अच्छे से खेल पाएंगे कि नहीं खेल पाएंगे, क्योंकि बजट बहुत ही लो था। लेकिन यकीन मानो आप कम बजट में है, आपका है कम बजट है, तो इस प्राइस रेंज के अंदर में बहुत ही कम बजट में राइजन 3 3200G के साथ जाओ आप बिंदास वीडियो एडिटिंग गेमिंग आप आराम से कर पाओगे। यानी कि आप जितना पैसा इन्वेस्ट करोगे उससे जो आपको रिजल्ट आउटपुट जो मिलेगा उससे आप 100% आप बिल्कुल खुश हो जाओगे, आपको 1% का प्रॉब्लम आपको नहीं आएगा।